हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं डॉक्टर शिवम सिंह, पीडियाट्रिक फिजियोथेरेपिस्ट फ्रॉम गोरखपुर, उत्तर प्रदेश। कहते हैं कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आज हम इस वीडियो में आपको दिखाएंगे कि कैसे पेरेंट्स और हमारी टीम की वजह से आज बच्चे कैसे पहले आए थे और हमारे यहाँ 2 ही 3 महीने इलाज कराने के बाद उन बच्चों में क्या क्या परिवर्तन आया, क्या क्या रिजल्ट आए, आप इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। हम आपको बहुत सारे बच्चों का दिखाएंगे कि बच्चा इलाज से पहले कैसा था और हमारे यहाँ इलाज करने के बाद बच्चा किस तरह से चलने लगा।
दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि हमने बहुत सारे बच्चों के वीडियो आपके सामने प्रस्तुत किए कि बच्चा हमारे यहाँ इलाज कराने से पहले जो बच्चे बैठ नहीं पाते थे, ठीक से खड़े नहीं हो पाते थे, चल नहीं पाते थे, वो हमारे यहाँ से फिजियोथेरेपी इलाज कराने के बाद किस तरह से उन्होंने बच्चों में क्या क्या परिवर्तन आए, किस तरह से रिजल्ट्स आए, वो आपने वीडियो के माध्यम से देखा। और हमेशा हम आपको कहते हैं कि सर्वल पाल्सी बच्चों को भी ठीक किया जा सकता है, उन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़ा जा सकता है, चाहे बच्चे को सर्वल पाल्सी हो, चाहे बच्चे को ऑटिज्म हो। अगर बच्चे को सही समय पे सही ट्रीटमेंट मिल जाए तो इन बच्चों को काफी हद तक ठीक किया जा सकता है, समाज की मुख्य धारा से जोड़ा जा सकता है। अगर आपका भी कोई सर्वल पाल्सी बच्चा हो या ऑटिज्म बच्चा हो, या बच्चे को चलने फिरने, खड़े होने, बैठने, उठने, बोलने, सोचने समझने, या बच्चे की हाथ काम नहीं कर रहा हो, या बच्चा ठीक से खड़ा नहीं हो पा रहा है, यानी बच्चे में शारीरिक और मानसिक रूप से लगता है कि आपका बच्चा नॉर्मल नहीं है, तो आप इन वीडियो को देखकर एक बार हमारे सेंटर पर विजिट करें, हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, क्योंकि हम आपके लिए हमेशा ऑटिज्म और सर्वल पाल्सी बच्चों के लिए अच्छे अच्छे वीडियो लेकर आते रहते हैं, ताकि हमारे वीडियो से बहुत सारे पेरेंट्स को कुछ मदद मिल पाए, कुछ सही जानकारी मिल पाए। तो एक बार हमारे क्लिनिक पर आप जरूर विजिट करें, और वीडियो देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। थैंक यू।